तो अभी जो आप देख पा रहे हैं पीछे, ये जो मूर्ति बन रहा है, ये जगह है कोलकाता का कुमारटुलीपल्ली, जहाँ पर हर तरह का मूर्ति बनता है। यहाँ पर विख्यात है बंगाल का दुर्गा पूजा और यहाँ का काली पूजा। तो देख ही पा रहे हैं आप यहाँ पर ये जो मूर्ति बन रहा है। तो भैया ये किस चीज़ का मूर्ति बन रहा है? ये दुर्गा माँ का मूर्ति बन रहा है ना? तो देख ही पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए पीछे ये दुर्गा माँ का मूर्ति बन रहा है, इतना विशाल का एक मूर्ति है। तो स्पेशली आज यहाँ पर आए हैं कुमारटुलीपल्ली के ही बगल में एक भैया बैठते हैं जिनका नाम है लालू भुलू, और उनका यहाँ पर गज़ब का एक चाट मिलता है। तो सोचे कि आप लोगों को ये जगह भी थोड़ा सा दिखा दे, तो इसीलिए आज यहाँ से हम अपना इंट्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे आप लोगों को अब लेके जाते हैं उस भैया के पास जहाँ पर वो स्पेशल चाट मिलता है, और उस चाट के बारे में वहीं पर ही जाके आप लोगों को बताएंगे। इसलिए ज़्यादा देर न करते हुए वहाँ पर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का वो स्पेशल चाट। चलिए। नमस्ते। आपका नाम? चंदन दे। अच्छा, तो आपने सुने हैं यहाँ पर चर्बी वाला मतलब चाट मिलता है, तो सबको तो नॉर्मली चाट बेचता है, लेकिन आपका दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आया कि ये जो चर्बी वाला खस्सी का चर्बी है उससे चाट बनाए? अच्छा, पहले हम लोगों का घर में ना खिचड़ी जो पकता है ना, खिचड़ी के संग ना खांसी का चरबा मिला के बनाता था घर में, उसका बहुत टेस्टफुल होता है। तो उसके बाद हमने सोचा अगर हम लोग तो ऐसे नॉर्मल घूनी बनाता है उसमें अगर ऐड कर दे तो कैसा लगेगा, ठीक है। ऐड करने के बाद तो एक रही बार को ऐड किया तो बहुत बढ़िया चला, कस्टमर लोग बहुत बढ़िया से खाया है। उसके बाद दूसरे हफ्ता में ऐड किया, जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसे थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाते गया, हाँ टेस्ट भी बढ़िया रहा, कस्टमर भी मांगते रह गए, ऐसे बढ़ गया। चर्बी वाला ये जो चाट है ये कब से बेच रहे हैं? 10 बरस रनिंग। तो इसका प्रिपरेशन यहीं पर दुकान में करते हैं या घर से बना? घर पे घर से बना के लाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा दिखाइएगा हम लोगों को। हाँ। अच्छा, ये रहा, ये है मटर, अरे ऊपर में चर्बी तैर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये प्लेट कैसे है? 18 रुपये प्लेट है। चाट का है, कोई अगर रोटी मांगे पाव रोटी, पाव रोटी है उसका प्राइस अलग से है। अलग से है। और आपके यहाँ पर क्या क्या मिलता है? दार्जिलिंग टी मिलता है, सैंडविच मिलता है, लस्सी मिलता है। अच्छा, सुने यहाँ पर आपका बतख का भी अंडा मिलता है? हाँ, बतख का भी अंडा मिलता है। आज तो बुधवार है, ठीक है, आज तो नहीं मिला, गर्म भी पड़ गया। अच्छा, शाम, हाँ, नील के उपज भी है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये जो चर्बी वाला ये जो चाट है ये हर दिन मिलता है या फिर? नहीं, हर दिन नहीं। अच्छा, बुध शुक्र रवि इधर लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, टंगा नहीं है। अच्छा अच्छा, बुध शुक्र रवि, हाँ, बंगला में। हाँ ठीक है, तो बुधवार शुक्रवार और रविवार। रविवार, हाँ हाँ। कितना बजे से कितना बजे तक मिलता है? रविवार तो आप पकड़िए 8 से 11। अच्छा। हाँ, ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और रविवार को जो लोग नहीं मिलता है, मिल पाता है जो लोगों को, ठीक है, और सेल्स का भी लोग है। अच्छा। हाँ, बैंकिंग है, मेडिसिन है, वो लोग तो हफ्ते में 6 दिन आते हैं, रविवार को नहीं आता है, इसीलिए वो लोग को नहीं मिलता है। नॉर्मली 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर मिलता है। हाँ, रविवार को। अच्छा। और रविवार को बाद देखिए बुधवार और शुक्रवार को सेल्स लोग या जो रविवार वो नहीं मिलता है उन लोगों के लिए। अच्छा, इधर तो है आपका, पीछे में है काश्मीर शमशान घाट, देखिए आगे। अच्छा। हाँ, पीछे कुमारटुली है। अच्छा। और इधर कुमारटुली घाट। अच्छा। आपके पीछे है सुतानोटी पुलिस स्टेशन, देखिए, दिखाइए थोड़ा। हाँ, सुतानोटी पुलिस स्टेशन आपका बागबाजार से नज़दीक पड़ेगा, इधर थोड़ा ना सोहाबर से भी, हाँ थोड़ा दूर बीचों बीच। सुबह सुबह इस तरह दार्जिलिंग टी का मज़ा, वो भी कोलकाता में।
हाँ। तो भैया इसलिए मैं कहता हूँ जीवन का आनंद सिर्फ खाने में है, तो भैया खाइए और दम भर खाइए। और इसी शौक़ को मैं पूरा करने के लिए आज आ गया हूँ शोभा बाज़ार अहिरी टोला और बाग बाज़ार के बीचों बीच लालू भुलू भैया के पास। तो इनके यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है, यहाँ का खस्सी वाला चर्बी और साथ में ये जो दार्जिलिंग टी है, और एक चीज़ यहाँ पर मिलता है वो है बत्तख का अंडा। आज हम लोग थोड़ा सा अनलकी है कि आज हम लोग को बत्तख का अंडा नहीं मिल रहा है, बट हाँ ये दो चीज़ आज हम लोग को मिल गया जो कि दार्जिलिंग टी। मज़ा आ गया भैया पी के। सुबह सुबह ये जो पीछे देख पा रहे गंगा जी का घाट है, और गंगा जी का घाट में बैठ कर इस तरह दार्जिलिंग टी का मज़ा आ गया भैया। और साथ में ये देखिए, ये जो यहाँ का सबसे फेमस चीज़ है ये है वो खस्सी वाला चर्बी वाला चाट। ये देखिए खस्सी का चर्बी, ये देखिए मतलब कितना ह्यूज क्वांटिटी में ये जो खस्सी का चर्बी है वो यूज़ किया जाता है। तो चलिए ये तो हम खाएंगे ही, उससे पहले ये चाय मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का ये जो खस्सी वाला चाट है वो खाने में कैसा है। तो ये देखिए भैया, यही है वो फेमस खस्सी का चर्बी वाला चाट। ये देखिए चर्बी पूरा भर भर के दिया गया है, साथ में यहाँ पर प्याज कटिंग करके दिया गया है, साथ में मिर्चा वगैरह है। तो चलिए इसको तो खाना बनता ही है। एक बात है, ये मुझे नहीं लगता कि पूरा पश्चिम बंगाल में या फिर ऑल ओवर इंडिया में और कहीं मिलता है, क्योंकि मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है। तो यहीं पर ये ऑथेंटिक चीज़ मिलता है, ऑथेंटिक कहें या कहें यूनिक कहें जो भी कहें, तो ये चीज़ यहीं पर ही आपको सिर्फ मिलेगा। इसको अगर आपको स्वाद लेना है, इसका अगर आपको टेस्ट करना है, तो भैया आपको यहाँ पर ये लालू भुलू भैया के पास आना ही पड़ेगा। हफ्ते में 3 दिन ये बेचते हैं, डेट वगैरह तो वो सब कुछ आप लोगों को बोल ही दिए, साथ में और भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कब कब यहाँ पर मिलता है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हूँ, क्योंकि मुझसे इंतज़ार हो नहीं रहा है, मुँह में पानी आ जा रहा है भैया। तो अब इसे खा कर भी देखते हैं कि कैसा लगता है यहाँ का ये चाट, खस्सी का चाट। तो ये लेते हैं थोड़ा सा चर्बी, ये लेते हैं थोड़ा सा चाट, और ये गया। हाँ, और एक बार लेते हैं। भैया A1 क्वालिटी का चाट है। एक तो ऊपर से जब ये जो चर्बी मुंह में आ रहा है ना, जब मुंह में मेल्ट हो रहा है, चबा रहे हैं, तो मज़ा आ जा रहा है सही में भैया। ये चीज़ मैंने आज तक ज़िंदगी में कहीं नहीं खाया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी कहीं नहीं खाया होगा। तो भैया ज़रूर आइए यहाँ पर और ये चाट ज़रूर खा के देखिए। मैं इसे खाता हूँ और भी। हाँ, हाँ, मज़ा आ गया। तो भैया का यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगा हुआ रहता है इस चाट के लिए, स्पेशली इस चाट के लिए, ठीक है। दार्जिलिंग टी वगैरह तो और भी बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन ये चाट और कहीं नहीं मिलता है, पूरा कोलकाता में और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्पेशली उनके यहाँ पर इस चाट के लिए भीड़ लगा हुआ रहता है। तो भैया वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपके किसी फ्रेंड को इस तरह का चाट अगर पसंद हो तो उसे भी टैग करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा और बढ़ाने लायक कुछ है नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैंने पहले भी कहा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जो नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो में नया कुछ लेकर इसी तरह का, तब तक के लिए गुड बाय।